वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में 21 अगस्त बुधवार को उनके जोरबाग स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। चिदम्बरम की गिरफ्तारी की यह कार्रवाई पूरी तरह से नाटकीय घटनाक्रम थी। चिदम्बरम को गिरफ्तार करने में ईडी और सीबीआई के 30 अधिकारी शामिल रहे। दरअसल सीबीआई और ईडी की टीम चिदम्बरम को अरेस्ट करने मंगलवार की रात को ही उनके घर पहुँचे थे, लेकिन घर पर चिदम्बरम नहीं थे। वहीं उनका फोन स्विच ऑफ था। इसके बाद बुधवार को सीबीआई अफसरों ने उनके घर की दीवार फांदी और उन्हें घुसकर अरेस्ट कर लिया। कैसा था बुधवार की रात का ये हाई वोल्टेज ड्रामा, आइए जानते हैं सीधे शब्दों में। दरअसल आईएनएक्स मीडिया मामले में हाईकोर्ट ने पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद से सीबीआई और ईडी की टीम उनको अरेस्ट करने पहुंची थी। चिदम्बरम के वकील मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए और वहां पर याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 23 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की। सीबीआई और ईडी की टीम लगातार चिदम्बरम को तलाश कर रही थी। 21 अगस्त रात 8:10 पी चिदम्बरम कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस मुख्यालय में 8 नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसी में चिदम्बरम ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि ये सारे मामले राजनीति से प्रेरित हैं। लेकिन सीबीआई के कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर चिदम्बरम अपने घर के लिए निकल गए। चिदम्बरम अपने घर पहुंचे 21 अगस्त रात 8:42। रात 8:42 पर सीबीआई की टीम कांग्रेस मुख्यालय से चिदम्बरम के घर के लिए निकली। सीबीआई की टीम चिदम्बर के घर पहुंची। टेलीग्राफ की खबर के अनुसार जैसे ही चिदम्बरम पार्टी कार्यकर्ताओं और वकील कपिल सिब्बल व अभिषेक सिंघवी के साथ अपने जोरबाग स्थित घर पहुंचे, उस समय सादे कपड़े में प्रवर्तन निदेशालय के 20 अधिकारी भी उनके घर पहुंचे। इनमें से 10 अधिकारी चिदम्बरम के घर के पिछले दरवाजे पर पहुंचे। चिदम्बरम के घर का दरवाजा नहीं खुलने पर सीबीआई की टीम दीवार फांद कर घर में घुसी। सीबीआई के एक सूत्र ने माना कि सीबीआई अधिकारियों का इस तरह से दीवार फांदना अजीब हो सकता है, लेकिन यह समय की मांग थी क्योंकि चिदम्बरम के घर का गेट बंद था। वहां चारों तरफ पत्रकार थे। कुछ कांग्रेस समर्थक हमारे अधिकारियों का रास्ता रोकने और घेराव करने के लिए एकत्रित हो गए। अधिकारियों ने ऊपर से मिले आदेशों के अनुसार ही काम किया। 21 अगस्त रात 9:47। रात 9:47 पर सीबीआई की टीम चिदम्बरम को गिरफ्तार कर अपने साथ सीबीआई मुख्यालय ले गई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। चिदम्बरम को रात 10:22 पर गिरफ्तार कर लिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि चिदम्बरम से देर रात लंबी पूछताछ चली। उसने यह भी बताया कि पूर्व वित्त मंत्री को उनकी पसंद का खाना उपलब्ध कराया गया, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि उन्हें अलग से कोई कमरा, बिस्तर या तकिया दिया गया है या नहीं। रात करीब 11:30 उनका मेडिकल कराया गया। चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा जनसत्ता आपको देता रहेगा। आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।